जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम भारत का संवैधानिक विकास से चल रहे थे टॉपिक में, तो भारत के संवैधानिक विकास से आगे बात करते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, किन किन चरणों हुआ, वो सारी बातें हम कर रहे हैं। तो आप पढ़ रहे हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखो दोस्तों, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब आया तो उससे पहले ब्रिटिश संसद में दोस्तों इसकी बारे में चर्चा हुई बहुत ज़्यादा, यानी माउंटबेटन योजना के अनुसार। जो माउंटबेटन योजना है दोस्तों, उस माउंटबेटन योजना के अनुसार इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी दोस्तों। माउंटबेटन योजना के अनुसार इसमें ब्रिटिश संसद बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। ये इसके बारे में नॉर्मल नॉर्मन डी पामर था दोस्तों, वो कहता है कि ब्रिटिश संसद में आज ब्रिटिश पार्लियामेंट पहला ऐसा विधेयक था जिसपे कम चर्चा होने के बाद ये विधेयक वहाँ पास हो गया दोस्तों। पहला ऐसा विधेयक था जो कम चर्चा हुई फिर भी ये पास हो गया दोस्तों। यानी कि ये अधिनियम दोस्तों 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था, और ये विधेयक दोस्तों 18 जुलाई को पास हो गया था। 18 जुलाई 1947 को पास हो गया। इतने कम समय पहला विधेयक था तो पास हुआ था। अब देखो दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या क्या दिया गया था वो बातें हम जानते हैं दोस्तों। मुख्य बात क्या थी? मुख्य बात ये थी कि इसमें 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्य बनाए जाएंगे। यानी कि भारत प्लस पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्य बनाए जाएंगे। प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा, जिसे कहा कि प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर जनरल होगा। दूसरी बात, गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। इसकी नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों? इंग्लैंड का सम्राट। इसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। इसके बाद देखो, इसकी मुख्य बात क्या थी दोस्तों? इंग्लैंड सम्राट इसकी नियुक्ति के दोनों राज्य की संविधान निर्माता सभा को अपने राज्य के लिए संविधान बनाने का अधिकार होगा। इनकी जो संविधान सभा है वो अपने अपने राज्य के लिए दोस्तों संविधान बनाएगी, ठीक है। दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा गठन किया जाएगा। वर्तमान संविधान सभा ही नए संविधान के बनने एवं लागू होने तक विधानमंडल के रूप में 1935 के एक्ट के तहत कार्य करेगी। यानी कि ये कहते हैं कि अब पहले एक संविधान सभा बन चुकी थी किसी इंडिया के लिए ओनली, लेकिन पहले भारत पाकिस्तान अलग अलग नहीं थे, एक थे, लेकिन माउंटबेटन योजना आने के बाद दोनों अलग अलग हो गए। तो अब उन्होंने कहा कि अब विधानसभा के रूप में जो विधानमंडल यानी कि जो सरकार बनेगी अस्थाई, वो सरकार 1935 का जो अधिनियम है, जो मिनी संविधान जिसे हमारा कहता था, 1935 का जो संविधान है उस एक्ट के तहत, जो 1935 का अधिनियम आया था उसके तहत ही कार्य करती रहेगी दोनों सरकारें। इसके बाद देखो, उसने कहा कि दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए दो सीमा आयोग बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दो सीमा आयोग बनाए जाएंगे, ठीक है। देखो, दो क्यों बनाए गए दोस्तों? इसमें दो बनाने का कारण ये था कि पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग, क्योंकि पंजाब की पहले बांग्लादेश तो पाकिस्तान में, पंजाब सीमा आयोग तो दूसरा था दोस्तों बंगाल सीमा आयोग। क्या कारण था इसका? इसका कारण ये था कि पहले पाकिस्तान यानी दो भागों में था, एक तो पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिम पाकिस्तान, यानी बांग्लादेश को खा जाता था दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान आज है वो पश्चिम पाकिस्तान, दो भागों में हुआ था। लेकिन बाद में ये युद्ध हुआ 1975 में, उसके बाद ये अलग से अलग हो गया दोस्तों। अभी क्या देखो आगे, अगली बात क्या थी दोस्तों इसमें? अगली बात, जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। यानी संविधान सभा एक विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी, साथ ही विधानमंडल के रूप में कार्य करते समय उसकी शक्तियों पर ब्रिटिश संसद किसी प्रकार का नियंत्रण होगा। यानी कि जो संविधान सभा जो कार्य करेगी विधानमंडल का, वहाँ पर ब्रिटिश सरकार का कोई वो नहीं होगा दोस्तों, इस पर किसी पर नियंत्रण नहीं होगा, ठीक है। अब भारत स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल कैसे बना उसके बारे में जानकारी देता हूँ। अब देखो, स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल बना उसके बारे में देखो, स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल बना दोस्तों उसके बारे में देखो, यह मंत्रिमंडल 1947 में बना था। इसमें देखो, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोस्तों बनाया गया प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री बने। और राष्ट्रमंडल खेलों के अध्यक्ष, सॉरी राष्ट्रमंडल
तब विदेश मामले प्लस विदेश मामले भी ये खुद इनको दिए गए विदेश मामले, ठीक है, यानी कि विदेश मंत्री बना देगा। इसके बाद देखो क्या क्या देगा, और इसके बाद इनको दिया गया दोस्तों वैज्ञानिक वैज्ञानिक शोध, ठीक है, ये दिए गए थे। तब ये इनका ये जब मंत्रिमंडल बना जो पहला मंत्रिमंडल उसमें थे वो, दूसरा दोस्तों दूसरा जब बना उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, सॉरी सर सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या दिया गया दोस्तों, गृह सूचना सूचना, इसके साथ इनको प्रसारण व राज्य के मामले भी दिए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या गए, सूचना सूचना और राज्य के मामले मामले, ठीक है, ये दिए गए इनको। आगे देखो अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तीन नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिए गए दोस्तों खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, ठीक है, कृषि मंत्रालय दिया गया। इसके बाद चार नंबर देखो, इसके बाद जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इनको दोस्तों दिया गया शिक्षा विभाग, इनको क्या दिया गया शिक्षा विभाग, ठीक है। इसके बाद देखो पाँच नंबर पर दोस्तों डॉक्टर जॉन मथाई को दिया गया दोस्तों रेलवे और परिवहन, रेलवे प्लस परिवहन, ठीक है। इसके बाद आर छः नंबर पर देखो आर के पणुगम, तो उसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से कि इसको क्या दिया गया था, कौन क्या बने थे, पणुगम सेट्टी थे, ठीक है, इनको दोस्तों दिया गया था वित्त आयोग, ठीक है, क्योंकि वित्त आयोग किसको दिया गया, ये इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। सात नंबर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों विधि आयोग दिया गया, यानी कानून के बारे में, ठीक है, विधि आयोग, ठीक है। इसके बाद दिया गया दोस्तों जगजीवन राम को दोस्तों दिया गया श्रम विभाग, ठीक है। उसके बाद आठ हो गए, नौ नंबर थे सरदार बलदेव सिंह को दिया गया दोस्तों रक्षा मंत्रालय, ठीक है। एक दस नंबर पर दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर को दिया गया दोस्तों स्वास्थ्य विभाग, ठीक है। इसके बाद ग्यारह नंबर दिया गया दोस्तों सी एच बाबा, इनको दिया गया दोस्तों वाणिज्य विभाग, ठीक है। इसके बाद थे बारह नंबर पे रफ़ी अहमद को दिया गया दोस्तों संचार विभाग, ठीक है। अब फुल डिटेल से करवाना, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। तेरह नंबर देखो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको दिया गया उद्योग, ठीक है, उद्योग में एवं आपूर्ति, ठीक है। इसके बाद चौदह नंबर देखो वी एन गोडगिल, इनको कार्य खान और ऊर्जा, ये इनके प्रमुख विभाग थे दोस्तों, जो 1947 का जो कैबिनेट बना 1214 अधिनियम में जो कैबिनेट बना था उसमें ये सभी मंत्री बनाए गए थे, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद
दोस्तों इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा कैसे बनी, कितनी सीटें थी, क्या था, वो सारा प्रोसेस हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों।